बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है, इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये है, ये खून ही है मेरा ब्रांड। शेखावत सर भूतनी के, अबे सड़ेले तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा, मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी की पल नहीं मिली, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा नहीं। अब नाच नारे गंजे, भागो भागो बकरे, शेर आया तो करेगा टुकड़े। नाच लो पुष्पा। तुमने आखिरी बार कह रही हो, आने वाले कल की सोच रहे? हाँ सोच लिया सर, मैं जो अभी कर रहा हूँ मेरे को सही लग रहा है। नाच पुष्पा, जो तू हमारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। अरे जो सरकारी नेवले, चल शर्ट उतार। पुष्पा तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। अमर सिंह, अमर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे बैठ उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? चल। शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या, अपनी जिंदगी ऐसी फटे हाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर। सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है, कपड़े हो या ना हो अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है।